हेलो, हाय, माय सेल्फ अभिषेक दुबे एंड वेलकम टू जेस क्लब। तो आज शिवरात्रि है, काफ़ी पावन दिन है, लेकिन शिवरात्रि की वजह से बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्ड करनी ही है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स अप्रोचिंग हैं, काफ़ी करीब हैं, तो उसको डिले नहीं कर सकते। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये पहली वीडियो होगी एंशंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, बेसिकली हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो चार सेक्शंस हैं बिहार के बीपीएससी में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी प्री के लिए। एक तो हिस्ट्री हो गई, दैट टू मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। उसके बाद आपका साइंस वाला पोर्शन हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल। तो ये जो बिहार की हिस्ट्री है, बिहार के स्पेशल वाले पार्ट में हम कवर करते हैं। जो हिस्ट्री है इसमें जो है नेशनल, जो आपकी इंडियन हिस्ट्री है, इसमें मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। 20+ क्वेश्चंस आते हैं यहीं से। और जो बिहार वाली हिस्ट्री है, यहाँ से 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और टोटल मिला के अगर बिहार की हिस्ट्री, बिहार स्पेशल वाली हिस्ट्री देख लिया जाए और इंडियन हिस्ट्री देख लिया जाए, टोटल मॉडर्न, मिडवल और एंशियंट, तो 36-37 के आसपास क्वेश्चन यहीं से कवर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रही बात साइंस की, तो मेजर पोर्शन जो है वो साइंस है। अकेले साइंस से 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। वही हाल करंट अफेयर्स का है, बिहार स्पेशल और नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर मिला के 28 से 30 क्वेश्चन, मतलब 25 से 30 में वेरी करता है। ठीक है, 28 से 30 क्वेश्चन मान के चलिए। और बिहार स्पेशल का भी वही हाल है। तो मेजर पोर्शन जो आपका 80% पोर्शन आपका है, सिर्फ यहीं से कवर होता है। ठीक है, तो बिहार का करंट अफेयर, जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है, वो ऑन गोइंग है, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं बिहार की हिस्ट्री, जिसमें ये फर्स्ट पार्ट है। हार्डली 5 वीडियोस होंगी, पहली वीडियो ये है, तीन वीडियोस और आएंगी। ठीक है, तो आपका जो अगली वीडियो, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसलिए छोटा रखा है। अगली वीडियो जो होगी उसमें पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है, उसके बाद एक ही वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार होगी, और दो वीडियोज में होंगी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो टोटल मिला के 5 वीडियो में आपकी बिहार की हिस्ट्री खत्म होगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसको भी हम क्रैश कोर्स की तरह रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, लेकिन क्रिप्स रहेगा, क्रिस्प रहेगा। तो आपका पूरा डेटा कवर होगा, कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की उम्मीद नहीं होगी, कोशिश हमारी यही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो सबसे पहले बिहार का नाम कैसे पड़ा, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो बिहार जो टर्म है ना, वो डॉक्यूमेंटेड कब हुआ, मतलब डॉक्यूमेंट्स में कब दिखा ओरिजिनली हमको, 12th सेंचुरी के बाद ही, 12th सेंचुरी AD के बाद, जब जो है मुस्लिम आक्रमण हुए बिहार पे। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण अटैक्स हुए बिहार पे, किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो ये हुआ था बख्तियार खलजी, इन्वेडर था, टर्किश था, इसने अटैक किया था 13th सेंचुरी में। ठीक है, तो नालंदा बिहार को इसने काफ़ी क्षतिग्रस्त भी किया था। उसके बाद जो मुस्लिम रिकॉर्ड्स आए हैं ना, मुस्लिम रिकॉर्ड्स, इन जो उन डायनेस्टीज ने अपनी बुक वगैरह में लिखा था, इस क्षेत्र के लिए पहली बार बिहार टर्म यूज़ किया। ठीक है, लेकिन जो टर्म बिहार है इसको काफ़ी पुराना माना जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं था। अगर बिहार टर्म की बात करें तो आपको पता है कि बिहार वो जगह है जहाँ पे बुद्धिज़्म काफ़ी डेवलप हुआ है ना, मतलब क्रेडल ऑफ बुद्धिज़्म कह सकते हैं, जो कि यूपी को भी कई बार कहा जाता है क्रेडल ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म का पालना। ठीक है, क्योंकि जन्म बुद्धिज़्म का बिहार से ही हुआ है, मगधा से। ठीक है, मगधा से। तो जो बुद्धिस्ट विहाराज होते थे, विहार होते थे, जहाँ पे ये भिक्षु जो निवास करते थे बारिश के दिनों में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसकी वजह से बिहार नाम पड़ा। बिहार शरीफ जो टाउन है, बिहार शरीफ, उसका नाम इसी की वजह से पड़ा है। तो बिहार शरीफ से जो है फाइनली जो डॉक्यूमेंटेड हुआ बिहार का नाम मॉडर्न। अगर वो ऐसे पूछ लिया कि मतलब डॉक्यूमेंटेड कब हुआ बिहार का नाम, पहली बार जो है लिखा हुआ कहाँ मिला है, तो 13th सेंचुरी के बाद ही मुस्लिम टेक्स्ट में मिला है, आपको याद रखना है ये, बस इतना सा। ठीक है, अब देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज। तो हिस्ट्री को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री को एक तो जो है आपकी प्री हिस्टोरिक पीरियड होगा, प्री हिस्टोरिक, उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड। ये तीन भागों में एंशिएंट हिस्ट्री को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, इस समय जो है सिविलाइजेशन बिल्कुल डेवलप्ड नहीं होती है। ठीक है, नॉन सिविलाइज्ड लोग होते हैं, बेसिकली इनका पूरा जीवन यहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब इनके पास कोई लिखने की वो सभ्यता डेवलप नहीं हुई होती है इस समय, तो इसको जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं।
तो ये हिस्टोरिक पीरियड में आपके तीनों स्टोन एज आ जाते हैं, जैसे आपका पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मेजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ये तीनों पीरियड जो है आपका प्री हिस्ट्री में आते हैं, इसमें कोई भी आपका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड नहीं मिलता है, जो है लैंग्वेज या कहे तो डेवलप नहीं हुई होती है, लैंग्वेज या राइटिंग जो है डेवलप नहीं हुई होती है, ठीक है। उसके बाद आता है जो दूसरा पीरियड, वो होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। दूसरा वाला पोर्शन जो होता है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है। इस समय भी कोई भी, इस समय का भी रिटेन रिकॉर्ड, मतलब लैंग्वेज डेवलप नहीं होती है, लिखने की शैली डेवलप नहीं हुई होती है, या समवॉट कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डेवलप हुई होती है, लेकिन हम उसे समझने में असमर्थ हैं। IVC मान लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है, ठीक है, बोस्ट्रोफेडन में, वो हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, और शायद डेसिफर होगी भी नहीं, ठीक है, डेसिफर होगी भी नहीं, ठीक है। तो ऐसी जो है, इसको जो है हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रख सकते हैं। बेसिकली ये लगभग 2600 से 1500 BC के आसपास वाला पीरियड जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। उसके बाद जो है हमारी एंशियंट हिस्ट्री आती है, हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास लैंग्वेज मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज का विकास हो जाता है। तो इसको जो वैदिक कल्चर है, पोस्ट वैदिक कल्चर, इसको हम हिस्टोरिक पीरियड मान सकते हैं, वैदिक कल्चर को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा श्रुति और स्मृति दो टर्म्स हैं जो वैदिक पीरियड्स में रिफर किए जाते हैं। तो जो भी वैदिक डॉक्यूमेंट्स होते थे, ठीक है, या इनका जो लेखन, वो जो जितना भी पुराण वगैरह, पुराण कह रहे हैं, वेदास हैं, ठीक है, पहले जो है इन्हीं श्रुति, मतलब सुन के और याद करके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र किया जाता था। ये लेटर वैदिक पीरियड में आके इसको सूचीबद्ध किया गया या लिखा गया, ठीक है, रिटर्न मिलने लगा। तो आप ये मान सकते हैं कि हिस्टोरिक पीरियड को आप पोस्ट वैदिक पीरियड से मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रिटर्न रिकॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। तो इसी में बात करते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं ये तीनों जगहों से, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड, बिहार में ये तीनों जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इफ़ वी टर्न टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ बिहार, इम्प्लीमेंट्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, मेजोलिथिक गायब है, मेजोलिथिक नहीं मिलता है, ठीक है, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के हमें स्टोन्स के टूल्स मिलते हैं, कहाँ से, बिहार से, ठीक है। तो बिहार में कहाँ कहाँ से मिलते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम अर्ली स्टोन एज या पूरा पाषाण काल, ठीक है, जिसको अर्ली स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज कहते हैं, पैलियोलिथिक, पैलियो मतलब पूरा, लिथिक मतलब पाषाण, मतलब पत्थर को लिथिक बोलते हैं, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, तो साइट्स जो इंपॉर्टेंट हैं पूरा पाषाण काल की वो देखते हैं। तो एक पैरसा साइट है और एक भीम बांध है, ये कहाँ की है, मुंगेर की है, पैलियोलिथिक साइट है। जेठिया वैली नालंदा की है, ये भी पैलियोलिथिक साइट है या पूरा पाषाण काल की साइट है। पेमार और शेर घाटी जो हैं वैलीज, ये आपकी गया की हैं, गया की, ये भी आपकी पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक साइट्स हैं बिहार की। राजपोखर और भलीजोर कहाँ से मिलती हैं, ये भागलपुर से मिलती हैं। और वाल्मीकि नगर सबको पता होगा, वाल्मीकि नगर ये वेस्ट चंपारण से मिलता है, वेस्ट चंपारण या बेतिया कह लीजिए, बेतिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम है वेस्ट चंपारण का। तो वाल्मीकि नगर जो है पैलियोलिथिक साइट यहाँ से मिलती है, ठीक है। वाल्मीकि नगर क्यों न्यूज़ में था ये भी बताइए, UPSC आप देने जा रहे हैं तो वाल्मीकि नगर में, इस बार का जो कैबिनेट मीटिंग दिसंबर में हुई थी वो वाल्मीकि नगर में हुई थी, और फोर्थ टाइम ऐसा था जब आउट ऑफ पटना ये मीटिंग की गई है या के आपका सचिवालय से बाहर की गई है, ठीक है, विधानसभा से बाहर की गई है। दिस साइट्स हैज यील्डेड नंबर ऑफ अचुलियन टूल्स विच सच एज हैंड एक्सेस, कुल्हाड़ी, क्लेवर्स एक्सेट्रा। तो अचुलियन टूल्स क्या होते हैं, तो अचुलियन बेसिकली ना एक साइट है अचुलियन, ठीक है, सेंट अचुल के नाम से साइट है, कहाँ पे है, फ्रांस में है, फ्रांस में है। तो इस तरह के टूल्स जहाँ भी मिलते हैं, इस तरह के जो अचुलियन के हैं, उनको सबको जो है अचुलियन साइट्स कह दिया गया है। तो ये जो आपको मिलता है फ्रांस से लेके, मतलब सदर्न यूरोप, पूरा अफ्रीका, कुछ पार्ट जो है आपका ये अरब वाला वर्ल्ड, उसके बाद ये पूरा इंडिया, ठीक है, पूरा इंडिया, उसके बाद थोड़ा सा ये जो है ये यहाँ साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट, ये पूरा, पूरे में आपको अचुलियन टूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका तब तो आपको जरूरी हो जाता है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपने पैलियोलिथिक देख लिया, साइट्स याद रखिएगा, ठीक है, पैरसा और भीमबांध, मुंगेर से जेठियाँ,
वैली नालंदा से या जटिया घाटी, पेमार और शेर घाटी कहाँ से है, गया से, राजपोखर और भलीजोर कहाँ से, भागलपुर से, वहीं वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण से, ये पुरापाषाण काल की साइट्स हैं, कहाँ से, बिहार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब नवपाषाण काल की बात करेंगे या न्यू स्टोन एज, ठीक है, या नियोलिथिक साइट्स ऑफ बिहार। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट है वो है चिरांद। चिरांद कहाँ पे पड़ता है, चिरांद पड़ता है सारण में, तो चिरांद आप नहीं भूलेंगे किसी भी कीमत पे, चिरांद पड़ता है सारण में, सारण डिस्ट्रिक्ट में। चिरांद में से जो आपको एंटीलियर यानी हिरण के एंटीलियर बोन टूल्स मिले हैं, तो आपको बोन टूल्स सिर्फ और सिर्फ नियोलिथिक या नव पाषाण काल से मिलेंगे। भारत में और कहाँ मिले हैं, तो बुर्जा होम कश्मीर में एक जगह है, वहाँ से भी आपको बोन टूल्स मिलते हैं। ठीक है, और बुर्जा होम है, बाकी जो बागोर उगर राजस्थान में है वो साइट्स भी हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं, तो याद रखिएगा, बागोर राजस्थान, बुर्जा होम कश्मीर, और चिरांद जो है बिहार, चिरांद हो गया बिहार। यहाँ से हिरण के हड्डियों के औजार मिले हैं, औजार मिले हैं, ठीक है, या टूल्स, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स यहाँ से मिले हैं चिरांद से। चिरांद कहाँ पे है, सारण में है, ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि चिरांद ही सबसे इंपॉर्टेंट साइट है बिहार में। कहाँ पड़ता है, लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा रिवर के लेफ्ट बैंक पे पड़ता है, ठीक है, 2500 से 1500 बीसी पुरानी ये साइट मानी जाती है। और साइट जो है नवपाषाण काल की या नियोलिथिक साइट बिहार में जो है वो है चेचर, वैशाली से मिलती है, सेनुवार रोहतास में पड़ता है। रोहतास बोले तो रोहतास आपका जहाँ से शेरशाह सूरी का मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा है, सॉरी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, रोहतास में, ठीक है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। मानेर पटना से ताराडी गया, बारूडी सिंहभूम यानी आपका झारखंड में, तो ये जो है नियोलिथिक या नवपाषाण काल की साइट्स हैं जो कि आपको बिहार में मिलती हैं। ठीक है, रोहतास का जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम आप हमें कमेंट में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोहतास के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम बताएं, जैसे वेस्ट चंपारण के, ईस्ट चंपारण के, रोहतास के, इन तीनों के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम आप रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पॉटरीज की बात करेंगे नियोलिथिक पीरियड में, तो कैसी पॉटरीज मिलती थी, ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब काली और लाल मृदभांड जिसको कहते हैं मृदभांड पॉटरीज जो है। ठीक है, कहाँ से मिली हैं, राजगीर से मिली हैं, सोनपुर जो गया में है, चिरांद से, वैशाली से, और मुजफ्फरपुर और अंटीचक इन भागलपुर से। तो अंटीचक से और क्या मिला है हमको बाद में लेटर, तो अंटीचक की जब खुदाई हुई है तो वहाँ से हमें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी मिली है। विक्रमशिला किसने बनवाई थी, विक्रमशिला कमेंट में बताइए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अंटीचक भागलपुर से मिली है। ठीक है, पाला रूलर था कौन सा था वो कमेंट में बताइए, ठीक है, आगे पता ही चलेगा लेकिन आप कमेंट में बता देंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ट्री एनबीपी फाउंड एट बक्सर और चिरांद, तो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर, ठीक है, ये क्या है, ये पॉटरी ही है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर। ठीक है, तो ये जब पॉटरी आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि आयरन एज आ गई, आयरन एज। ठीक है, इस समय आयरन इम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे जब भी एनबीपीवी पॉटरीज आपको मिलेंगी। तो इससे पहले की पॉटरी जो है प्री एनबीपीपी पूरा कल्चर ही बना दिया है। ठीक है, तो ये प्री एनबीपीपी मतलब इससे पहले की एनबीपीपी से कहाँ से मिला है, बक्सर और चिरांद से। ठीक है, यानी नियोलिथिक पेज वो हो गया, इसको चालकोलिथिक भी मान सकते हैं, चालकोलिथिक। तो चालकोलिथिक क्या होता है, जिसमें ब्रोंज का यूज हुआ हो पत्थरों के साथ टूल्स में। ठीक है, तो आप देखते हैं चालकोलिथिक कल्चर बिहार में। ठीक है, यूज ऑफ कॉपर अलॉन्ग विद स्टोन्स, चालकोलिथिक पीरियड में क्या होगा, स्टोन टूल्स तो होंगे, उसके साथ में कॉपर टूल्स भी यूज होने लगे थे। ठीक है, कॉपर टूल्स और स्टोन टूल्स दोनों यूज होते हैं, तो उनको चालकोलिथिक पीरियड कहता है। इंडिया में इसका बहुत भयंकर विकास नहीं हुआ है, बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा डेवलप था ये, और काफ़ी पहले था, इंडिया में काफ़ी लेट ये चला है। ठीक है, चालकोलिथिक साइट्स में भी वही साइट्स हैं, चिरांद है, चेचर है, ठीक है, सेनुअर रोहतास का है, मनेर पटना का है, ताराडीह गया का है, और सोनपुर भी गया का है। ठीक है, तो ये चालकोलिथिक साइट्स हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कल्चर यानी चालकोलिथिक पीरियड के अंत में, चालकोलिथिक पीरियड कब से है, चालकोलिथिक पीरियड वही 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का वाला पीरियड वाला माना जाता है इंडिया में। ठीक है, तो इसके अंत में मतलब 600 बीसी के आसपास आयरन एज, आयरन मिलने लगा। ठीक है, इसके एंड में द मेन एडवांसमेंट वर्ड आयरन एंड एक्सक्वेशन एट द ओल्ड फोर्ट ऑफ राजगीर, तो जो ओल्ड फोर्ट है राजगीर पे, वहाँ पे खुदाई के बाद किसने खुदाई की, ए घोष ने, सोच दैट ट्रेसेस ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिसी पॉटरी वेयर कल्चर का, यानी आयरन एज का हमको यहाँ पे वो मिल गया, क्योंकि अगर ये पॉटरी आपको मिलती है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो आप समझ लीजिए कि आयरन एज आ गई है। ठीक है, जहाँ भी ये पॉटरी है तो आयरन एज को ही रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है, क्रूड रेड बियर की, ऑन द वे ऑफ गढ़कुता, ठीक है, तो गढ़कुता के रास्ते पे एक साइट है, ठीक है, जीविका विहारा, जीविका विहारा, तो ये साइट जीविका विहारा है, तो इस प्लेस को जो है डोनेट किया था किसने, जीवक ने, जीवक जो ग्रेट फिजिशियन था मगधा पीरियड का, उसको किसको डोनेट किया था, बुद्ध को, ठीक है। कौन से रास्ते पे पड़ता है, गढ़कुटा वाले रास्ते पे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की बात थोड़ी सी कर लेंगे, कल्चर है पूरा ये, या आयरन एज इन बिहार, या MBPW कल्चर इन बिहार। तो इम्पोर्टेंट साइट्स इसकी सोनपुर गया वाली है, चिरांद है, वैशाली है, और चंपा भागलपुर में है, ठीक है, जहाँ पे आयरन एज मिला है, आयरन एज। तो आयरन एज आने के ही बाद ही जो अब आर्यंस बोलते हैं ना, आर्यंस बिहार में कब आए, तो ये जब आयरन एज आई तो उसी के साथ आयरन इम्प्लीमेंट्स हुआ, जंगलों की कटाई हुए, तो वो जो आर्यंस सबसे पहले वो मिथिला की तरफ इनका एडवांसमेंट हुआ, मिथिला की तरफ या विदेह की तरफ, ठीक है। सबसे पहले बिहार में, नॉर्दर्न बिहार में आए थे आर्यंस, ये याद रखिएगा। एट वैशाली अमड स्तूपा, यानी एक मिट्टी का स्तूप मिला है वैशाली में, एक्सक्वेट किया गया है, वॉज बुल्ट, ठीक है, ओवर द कॉर्पोरियल एसेज ऑफ बुद्धा आफ्टर हिज महापरिनिर्वाण। तो ये जो मठ मट्टी का स्तूप है ना, बुद्धा के मरने के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनकी जो अस्थियां थी थोड़ी सी वहां लाके डाली गई, उसके ऊपर ये वैशाली वाला जो मठ स्तूपा है बनाया गया। तो ये दूसरा स्तूप है, एक ऐसा और स्तूप था, वो कहाँ पे था जो है, वो कपिल वस्तु जो नेपाल में पड़ता है पिपराहवा में, वहां पे ऐसा है, ठीक है। तो दो स्तूप ऐसे हैं जो बुद्ध के इमीडिएट मरने के बाद उनकी ओरिजिनल अस्थियों को लाके वहाँ पे रखा गया था, ठीक है। सांची के स्तूप को भी माना जाता है, लेकिन काफ़ी बाद का है, वहाँ पे टीथ माना जाता है, टीथ यानी दांत जो है बुद्ध के, ठीक है। एट चंपा अ फीमेल डांसिंग फिगरीन ऑफ आइवरी वॉज डिस्कवर्ड विद आर्टिकुलेटेड लिम्स। तो चंपा में एक महिला की डांसिंग पोस्चर में एक मूर्ति मिली है, ठीक है, उसके लिम्स जो हैं टूटे हुए हैं बेसिकली। और सोनपुर में हाईली लस्टरस नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है मिले हैं, ठीक है, पॉलीक्रोम कलर्स हैं बहुत ही ज़्यादा चमकीले कलर्स के साथ, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर क्या है, या आयरन एज कल्चर क्या है। तो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फाइनल ग्रे मेटेलिक वेयर होता है, यानी बर्तन होते हैं विद ग्लॉसी ब्लैक सरफेस, ये देख रहे हैं ब्लैक ग्लॉसी सरफेस चमक रहा है कैसे, काफ़ी पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो ये आयरन एज सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, पीरियड 500 से 100 बीसी है, या 600 से 100 बीसी माना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा बस, ठीक है। तो इसका यही पीरियड है इस पॉटरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जो खुदाइयाँ हुई थी मौर्यन पीरियड में, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खुदाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट मौर्यन पीरियड का जो एक्सक्वेशन है वो कुमारहार का है, कुमारहार कहाँ है, पटना के पास में पड़ता है, 5 किलोमीटर दूर है पटना रेलवे स्टेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो खुदाई के बाद एक हॉल मिला है, ठीक है, हॉल मिला है जिसमें 80 पिलर्स हैं या 80 स्तंभ हैं, ठीक है। तो इसको 80 पिलर हॉल भी कहा गया है, ठीक है, ये कुमारहार को। कुमारहार इज द एरिया ऑफ पटना वेयर रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। जो ये 80 पिलर हॉल है ना, इसी को पाटलिपुत्र से वो दर्शाया गया कि यही पाटलिपुत्र रहा होगा, ठीक है। वेयर एक्सक्वेटेड बाई ASI, तो ASI के ऑफिसर जो थे उन्होंने एक्सक्वेट किया था, उनका नाम था स्पुनर, ठीक है, इन्होंने 1913 में एक्सक्वेट किया था कुमारहार को, ठीक है। तो जब एक्सक्वेट किए तो उनको एक पिलर जो है 1 पिलर पॉलिश्ड मिला था स्टोन यहाँ पे, बाद में KP जायसवाल जी ने 1951 से 1955 में एक्सक्वेट किया, तब इसका नाम जो है असेंबली हॉल ऑफ 80 पिलर पड़ा। और एक्सक्वेटर जो थे वो अल्टेकर थे और मिश्रा जी थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे कुमारहार के ही पास में एक और एक्सक्वेशन हुआ था नियर बी में इसके, उसका नाम है बुलंदी बाग, जगह का नाम किसने किया था, LA वेडल ने किया था बुलंदी बाग का की खुदाई, याद रखिएगा, ठीक है। और जो है कहाँ कहाँ से पॉलिश्ड पिलर्स मिले हैं अशोकन पीरियड का, तो वैशाली से मिला है, लौरिया अरेराज से मिला है, लौरिया नंदनगढ़ से मिला है, और रामपुरवा से मिला है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, लौरिया अरेराज जो है ये ईस्ट चंपारण में है, नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण में है, और ये भी जो रामपुरवा है ये भी आपका वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में। तो रामपुरवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामपुरवा से 2 कैपिटल मिले हैं कैपिटल, तो एक तो है बुल कैपिटल यानी बैल का, ठीक है, दूसरा लॉयन कैपिटल। तो इसका जो लॉयन कैपिटल है, कैपिटल क्या होता है, जो मान लीजिए ये पिलर है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो शेर वगैरह ऐसे ऐसे बैठा रहता है, या हाथी हो गया, शेर हो गया, बैल हो गया, इस तरह के जो है, इस तरह के कैपिटल्स मिले हैं
जो जैसे सारनाथ का लॉयन कैपिटल है, ठीक है, तो ये एबेस्कस बना होता है, उसके ऊपर जो है कैपिटल ऐसे बैठाया रहता है, तीन मुंह वाला शेर हो गया, हाथी हो गया, बुल हो गया। तो रामपुरवा से दो कैपिटल मिले हैं, रामपुरवा से, रामपुरवा कहाँ है, वेस्टर्न चंपारण में। एक तो बुल कैपिटल है, यानी इस बुल कैपिटल है उस, वो भी जेबू बुल दिखाया गया है, जेबू या हम्ड बुल, जिसके ऊपर कुबड़ी निकली होती है, ठीक है, आईवीसी साइट में भी दर्शाया गया है, वही वाला बुल है। तो यहाँ से बुल कैपिटल मिला है, जिसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन में, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो इसका लॉयन कैपिटल है, लॉयन कैपिटल, उसको कहाँ रखा गया है, उसको रखा गया है कलकत्ता म्यूजियम में, कलकत्ता म्यूजियम में। तो ये रामपुरवा का जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लौरिया, अरेराज और नंदगढ़, तो इसमें से एक कोई ऐसा है, ठीक है, शायद अरेराज ही है, जिसका कैपिटल ही मिसिंग था, कैपिटल नहीं मिला, ठीक है, या कहीं टूट टूट के लोग तोड़ दिए थे, क्या हुआ था, तो इसका कैपिटल मिसिंग है। और ये नंदगढ़ का लॉयन कैपिटल है, लॉयन कैपिटल है। कमेंट में बताइए कि अशोकन पीरियड का जो पिलर है उसमें एलिफेंट कैपिटल कहाँ से मिला है, एलिफेंट कैपिटल कहाँ से मिला है, ठीक है। चलिए बता ही देते हैं, संकीसा से मिला है, संकीसा, संकीसा कहाँ है ये कमेंट में बताएं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मौर्यन एक्सक्वेटेड केव्स, जो गुफाएं मिली हैं, सम ऑफ विच आर इंस्क्राइब, तो कुछ गुफाओं के जो वो वॉल्स हैं ना, वॉल्स पे इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड हैं, ठीक है, आर फाउंड इन कहाँ पे, बाराबार हिल्स। तो बाराबार हिल्स कहाँ पे हैं, गया में हैं, तो गया में ही आपको बाराबार हिल्स मिलेंगी, लोमस ऋषि केव मिलेंगी, सब जो है। लोमस ऋषि केव किस पीरियड की है ये कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे ही सारी चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सक्वेशन ऑफ कुशाना पीरियड का जो खुदाई हुई है बिहार में, उसकी बात करेंगे। एक्सक्वेशन ऑफ कुशानन पीरियड इन बिहार, द रिमेन्स ऑफ मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग ऑफ फायर बंट ब्रिक्स बिलोंगिंग टू कुशाना पीरियड फाउंड एट चिरांद। तो चिरांद से एक जो है मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग, या कह लीजिए कि फोर्ट का कुछ रिमेन मिला है, तो उसमें जो ईंटें यूज हुई थी ना, तो वो जो अभी ईंटें यूज होती हैं, जो पकी हुई ईंटें, उनका यूज हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला है, चिरांद से मिला है। चिरांद कहाँ पे है, सारण में, सारण डिस्ट्रिक्ट में। अ कॉपर क्वाइन होर्ड, तो क्वाइंस का, कॉपर क्वाइंस का एकदम होर्ड, यानी गत्था, ढेर सारे कॉपर क्वाइन भी चिरांद से ही मिले हैं, वो भी कुशानन पीरियड के हैं, ठीक है। टेराकोटा ह्यूमन हेड फिगरिन, तो टेराकोटा को क्या होता है, जो मिट्टी से आकृतियाँ बनी होती हैं, खिलौने बने होते हैं, उनको टेराकोटा कहते हैं। तो हेड फिगरिन जो है, यानी सर की जो है फिगर, कुशानन स्टाइल का, कहाँ से मिला है, बक्सर से मिला है, ठीक है। और टेराकोटा फिगरिन ऑफ कुशानन पीरियड और क्या कहाँ से मिला है, चिरांद से भी मिला है। तो ये हेड फिगरिन को ऐसे बनाया गया है जैसे कुशानन पीरियड में बनता था, ऊपर का अच्छी खासी कैप हो, तो उस तरह का है। तो कहाँ से मिला है ये याद रखिएगा, टेराकोटा ह्यूमन हेड फिगर कहाँ से मिला है कुशान स्टाइल का, बक्सर से मिला है, और चिरांद से भी टेराकोटा कुशान स्टाइल का मिला है। कॉपर माइन मिली है, ठीक है, इससे पता चलता है कि आराम से मिंटिंग होती होगी पास में, ठीक है। तो कॉपर माइन धनबाद से मिली है, जहाँ से ये पता लगाया जा रहा है कि कुशानन पीरियड के क्वाइंस यहीं की माइंस के कॉपर से बनते होंगे। अब देखते हैं गुप्ता पीरियड के जो एक्सक्वेशंस हुए थे, गुप्ता पीरियड के एक्सक्वेशन कहाँ पे, मगधा में या बिहार में, ठीक है। तो साइट्स कौन कौन सी हैं, वैशाली है, रजौना है, नालंदा है, और अपसद है। अपसद कहाँ पर है, गया में है। न्यूमेरस सील्स, ढेर सारी सील मिली हैं विद इंस्क्रिप्शंस डिस्कवर्ड फ्रॉम वैशाली। तो वैशाली से ढेर सारी सील मिली हैं जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी खुदाई की गई है, हल्का हल्का कुदेर की कुछ बनाया गया है, ठीक है। मेनी कार्व्ड स्ट्रक्चर्स फाउंड फ्रॉम रजौना एंड नालंदा। कार्व्ड मतलब कार्विंग, जो लकड़ियों पे नक्काशी होती है उसको कार्विंग कहते हैं। एट स्टूको पैनल्स डिपिक्टिंग वाल्मीकि रामायण ऑन द ब्रिक वॉल ऑफ विष्णु टेम्पल बिल्ट बाई लेटर गुप्ता किंग नेम आदित्य सेना ऑफ 7th century AD मिला है। तो स्टूको पैनल क्या होता है, सबसे बड़ी ये बात जानिए कि मान लीजिए आप स्टूको को आप सीमेंट से रिलेट कर लीजिए, तो स्टूको होता है कि जिसमें पानी मिला के, पहले के समय में तो पानी मिला दिया तो गीला हो जाता, तो फिर उसको ईंट में या किसी चीज़ में जब ज्वाइंट कर देते थे, लगा देते थे, तो वो सूख के चिपक जाता था, जैसे आज सीमेंट काम करता है। तो 8 स्टूको पैनल्स तो ये डिपिक्ट करते हैं, वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ था। स्टूको पैनल पे एक बड़ा सा स्लैब होगा, मान लीजिए जैसे अभी स्लैब लोग घरों के सामने नेम प्लेट लगाते हैं ना, उस तरह का। ऑन द ब्रिक वॉल ऑफ विष्णु टेम्पल, तो किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, लेटर गुप्ता का एक राजा था आदित्य सेन, 7th century AD का मिला है। ये पता नहीं कहाँ से मिला, कहीं डिटेल नहीं मिली है। और एक फोर्टिफाइड ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है, राजा विशाल का गढ़, ठीक है, कहाँ पे, वैशाली से। राजा विशाल का गढ़ कहा गया है उसको, वैशाली से मिला है, याद रखिएगा। अब ये पोस्ट गुप्ता पीरियड के एक्सक्वेशन देख लें, या खुदाई जो हुई है, ठीक है। तो वो रिमेन्स ऑफ पोस्ट गुप्ता और पाला पीरियड वेर फाउंड एट नालंदा,
कुर्की हार में ब्रोंज बुद्धिस्ट की जो गॉड और गॉडेस की इमेजेज मिली हैं। कुर्की हार कहाँ है ये कमेंट में बताइए। मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम अंटी चक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक्सक्वेशन कहाँ से था, अंटी चक कहाँ है, भागलपुर में। अभी पीछे मैंने बताया था, तो अंटी चक से क्या विक्रमशिला महावीर जो है महाविहार वही मिला है, उसको किसने बनवाया था, धर्मपाल ने। सेकंड पाला रूलर था धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनवाया था या महाविहार को बनाया था। तो कहाँ है वो, अंटी चक भागलपुर में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। सॉरी थोड़ा सा बैटरी डाउन है तो देख लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। तो इंस्क्रिप्शंस के सोर्सेज कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो अर्लीस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकन पीरियड वॉज फाउंड ऑन द पिलर्स ऑफ लौरिया अरेराज। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेसिफर किया गया था अशोकन पीरियड का इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है, कहाँ से मिला है, लौरिया अरेराज से। ठीक है, लौरिया नंदगढ़ से और रामपुरवा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ईस्ट और वेस्ट चंपारण में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेसिफर्ड जिनको पढ़ा जा सका है कहाँ से मिले हैं अशोकन पीरियड के पिलर्स के, तो लौरिया अरेराज ईस्ट चंपारण या मोतिहारी, लौरिया नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण या बेतिया, और रामपुरवा वेस्ट चंपारण, और सासाराम में कुछ पत्थरों पे लिखाई हुई थी वहाँ से मिले हैं। रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज। तो किस में लिखे गए हैं, स्क्रिप्ट कौन सी थी जो बिहार में चलती थी, स्क्रिप्ट वो थी ब्राह्मी, और लैंग्वेज कौन सी थी, प्राकृत थी। ठीक है, अब बताइए आप हमें कमेंट में कि मथुरा में जो, या इधर उधर मिले, मथुरा या गांधार वाले रीजन में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती थी। ठीक है, चलिए तो ये जो है आपका ये हो गया। तो ये किसने डिस्कवर्ड किया था ये हमें आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि आगे वाली वीडियोस में हम पढ़ाएंगे, जानबूझ के यहाँ नहीं डाला है, आगे जब पढ़ाएंगे डिटेल में तो वहाँ पे डिस्कवरर का नाम बताएंगे। तो गुप्ता पीरियड के जो इंस्क्रिप्शन थे, वन पॉसिबिली ऑफ स्कंदगुप्त का मिला है, दो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिले हैं गया से और नालंदा से। तो इसमें से माना जाता है कि एक स्कंदगुप्त का कोई है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, विलेज ग्रांट जो ब्राह्मणों को दिया जाता था समुद्रगुप्त के द्वारा, उसका वर्णन है इन इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, पोस्ट गुप्ता और पाला इंस्क्रिप्शन कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री ग्रुप्स, तो ये ग्रुप्स नहीं देखना है। ठीक है, इसमें लैंड ग्रांट्स की बात की गई है सारा। ठीक है, तो इसमें जो है नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ धर्मपाल है, नालंदा एंड मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ देवपाल है, भागलपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ नारायणपाल है, और बाणगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ विग्रहपाल है। सब में जो है लैंड ग्रांट्स के बारे में बात की गई है कि जो जमीनें ब्राह्मणों को दी जाती थी उस समय। ठीक है, एक बार आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। स्टोन इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला है, बाराबर केव से मिला है। ठीक है, ये सारे पोस्ट गुप्ता पीरियड के हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑन सील्स इन लार्ज नंबर्स फाउंड एट वैशाली एंड नालंदा यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ बिहार या मगधा उस समय के। ठीक है, तो इसमें मदद करेगा। प्रतिहारा इंस्क्रिप्शन कहाँ से, दिघवा दुबौली सारण से मिला है। ठीक है, तो प्रतिहार का इंस्क्रिप्शन, प्रतिहार टाइम का इंस्क्रिप्शन पूछे तो दिघवा दुबौली इंस्क्रिप्शन है, सारण से मिला है। तो इसमें भी ग्रांट इंस्क्रिप्शन ऑफ महेंद्रपाल, ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑफ विजय चंद्र इन शाहबाद डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें सारे ग्रांट वाले इंस्क्रिप्शन हैं। गढ़वाल प्लेट ऑफ मानेर डिस्क्राइब द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन 12th century AD। तो गढ़वाला प्लेट जो है मनेर का इंस्क्रिप्शन जो है वो पटना का रेवेन्यू सिस्टम डिस्क्राइब करता है। तो काफ़ी पुराना इंस्क्रिप्शन, मतलब काफ़ी इधर का है, नया इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये गढ़वाला प्लेट मनेर वाला पटना का। पंचोबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसका है, समग्रगुप्त का, लेटर गुप्ता रूलर था 13th century AD का। इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ बल्ल सेना फ्रॉम सनोखर इन भागलपुर एक मिला है। ठीक है, और जैन बिघा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम गया रिफर्स टू लेटर सेना किंग बुद्ध सेना और जय सेना। तो कौन सा, जैन बिघा इंस्क्रिप्शन है जो लेटर जो है सेना रूलर्स जो बंगाल के थे उनके बारे में बताता है। उसमें नाम दिया गया है बुद्ध सेना और जय सेना, दो राजाओं का नाम है। वहीं अगर देवपारा इंस्क्रिप्शन की बात करें, किसका है ये, विजय सेना का है। मेंशंस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पाला वसाल्स, तो पाल के जो वसाल्स थे जो उनके अधीन थे जो काम करते थे उनका एक्सप्लॉयटेशन बताया गया है इसमें, कौन से, देवपारा इंस्क्रिप्शन में, किसके द्वारा, सेना रूलर्स के द्वारा जो कि ईस्ट बिहार के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाइंस की बात करेंगे तो क्वाइंस मेनली पंचमाउक्ड क्वाइंस थे, पंचमाउक्ड ज़्यादातर सिल्वर के क्वाइंस थे। ठीक है, सिल्वर के क्वाइंस थे और सबसे ज़्यादा सिल्वर वाले पाए गए हैं। तो एविडेंट कौन से थे, सिल्वर ही क्वाइंस थे। डिस्कवर्ड मेनली फ्रॉम गोलखपुर, गोलखपुर कहाँ है, पटना, और पूर्णिया से। ठीक है,
कॉइन्स सबसे ज्यादा कहाँ से मिले हैं? बक्सर, ठीक है। तो एक हुइस्का जो है, हुइस्का कौन था, ठीक है, हुइस्का का एक कॉइन मिला है खुदाई में, कहाँ से? कुमरहार से। तो कुमरहार जो पटना के पास अभी है, 80 पिलर हॉल जो बताया, तो वहाँ से हुइस्का का इंस्क्रिप्शन, वो कॉइन मिला है, ठीक है। तो इसको जो है, इस कॉइन को माना जाता है कि ताबीज़ की तरह यूज़ किया जाता है, तलिश्मन की तरह, ठीक है, कुमरहार एक्सप्रेशन से मिला। तो हुइस्का जो है, कनिष्का के बाद वाला रूलर जो है कुशानन, कनिष्का के बाद वाला रूलर हुइस्का था, बस ये याद रखिएगा। चिरान से 82 कुशानन पीरियड के कॉइन मिले हैं, ठीक है। वहीं गुप्ता कॉइन कहाँ से मिला? हाजीपुर से मिला है, लेकिन पाला कॉइन्स नहीं मिले हैं, बहुत कम थे, ठीक है, पाल रूलर्स के। लिटरेरी सोर्सेज की बात करेंगे तो अर्लियर रेफरेंस ऑफ बिहार की, अगर वैदिक पीरियड से बात करें, वेदाज में बिहार को सबसे पहले अथर्वेदा ने बताया है, ठीक है, यहाँ के अथर्वेद और पंचवीस ब्राह्मण। तो पंचवीस ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? सामवेद का। तो अथर्व और पंचवीस ब्राह्मण के अनुसार, पंचवीस ये याद रखिएगा, के अनुसार जो सबसे पहले इनहेबिटेंट्स या रहने वाले बिहार के थे, उनको क्या कहा जाता था? व्रत्याज कहा जाता था, ठीक है, व्रत्याज कहते थे। लेकिन अगर वहीं ऋग्वेद के हिसाब से माने, ऋग्वेद के हिसाब से, ऋग्वेद क्या कहता है कि जो सबसे पहले जो इनहेबिटेंट्स थे, जो बिहार में बसे, जो आर्यन थे, उनको, आर्यंस नहीं, तो इनहेबिटेंट्स यहाँ के लोकल लोग, इनको कीकत्स कहते थे। कीकत्स, आप जो है कीकत्स को जो है नॉर्थ में भी देखेंगे, उत्तराखंड में भी आपको कीकत्स मिलेंगे एंशियंट टाइम में, किसके? कत्यूरी डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है। तो ऋग्वेद कुछ और बताता है, ऋग्वेद कीकत्स के बारे में बताता है, ऋग्वेद कीकत्स के बारे में, कि यहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे सबसे पहले, तो वो कीकत्स थे। और अथर्ववेद क्या कहता है? अथर्ववेद और पंचवीस ब्राह्मण क्या कहता है? व्रत्याज थे, व्रत्याज, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% पूछ लेगा, कोई भरोसा नहीं है, कई बार पूछा है, ठीक है। वैदिक लिटरेचर इंडिकेट्स नॉन आर्यन कैरेक्टर ऑफ मगधा। तो वैदिक लिटरेचर के हिसाब से जो मगध के ये कीकत और व्रत्याज थे, ये आर्यन नहीं थे, ठीक है, आर्यन नहीं थे, और ये लोग इनको छोटी जाति का समझते थे, छीण समझते थे, शूद्र समझते थे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंशन ऑफ आर्यन इन नॉर्थ बिहार यानी विदेह में मेंशन इन शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का है, ठीक है। तो जो आर्यंस का एक्सपेंशन सबसे पहले नॉर्थ बिहार में विदेह की तरफ माना जाता है, ठीक है, साउथ में नहीं जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं। तो ये किस में लिखा गया है? शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ गए थे सबसे पहले? विदेह, विदेह या मिथिला वाला रीजन जो था, मिथिलांचल वाला, यहाँ पे, ठीक है, नॉर्दर्न बिहार में, बस इतना याद रखिएगा। मार्कंडेय पुराण के हिसाब से, ठीक है, मार्कंडेय पुराण क्या डिस्क्राइब करता है? जीनियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ विदेहा किंग्स, ठीक है, और वैशाली किंग्स। तो विदेह के जो राजा थे और वैशाली के जो राजा थे, उनकी जीनियोलॉजी मतलब पुस्तों का डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है? मार्कंडेय पुराण में मिलता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ बिहार कहाँ से? 6th सेंचुरी BC। तो बुद्धा का जन्म ही यहीं हुआ था, टिल मौर्यन पीरियड, ठीक है। तो इसमें से अंगुत्तर निकाय की सबसे पहले बात करेंगे, किसकी बात करता है? रिपब्लिक्स एंड मोनार्चीज ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। तो किसकी बात करता है? रिपब्लिक की और मोनार्चीज की, नॉर्थ इंडिया की और ईस्ट इंडिया की। तो उसमें कई जो है महाजनपद जो है बिहार के भी आते थे। दीघा निकाय, इसको बुक ऑफ डायलॉग कहते थे, कि मतलब जो वहाँ पे जो भिक्षु थे उनके बीच में जो संवाद होता था उसकी बुक थी। और विनय पिटका, तो जो भिक्षुओं के लिए डिसिप्लिन रूल्स होते थे इसमें वो निहित थे। ये अकाउंट देता है, मतलब इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देता है? हिस्ट्री ऑफ द मोनार्ची ऑफ मगधा एंड रिपब्लिक ऑफ वैशाली। तो मगधा और वैशाली के बारे में डिटेल देता है। तो वैशाली को जान लीजिए, वैशाली जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्ड रिपब्लिक है, ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड इज वैशाली, ठीक है, वैशाली ओल्डेस्ट रिपब्लिक या जनतंत्र या गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र कौन सा था? वैशाली था, ठीक है, याद रखिए। दीपवंशा और महावंशा दो जो है ग्रंथ थे, ये कहाँ के थे? श्रीलंका में लिखे गए थे, सेलोन में, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी और जीनियोलॉजी बताते हैं प्री मौर्यन किंग से, मौर्यन किंग्स के पहले की, ठीक है, मगधा, कंपाइल इन 6th सेंचुरी AD। अशोक वदन और दिव्य वदन जो दो ग्रंथ हैं, ये जो है लाइफ हिस्ट्री बताते हैं अशोक की, ठीक है। वहीं जैना क्रॉनिकल जो है, भगवती सूत्र जैन धर्म का क्रॉनिकल है, ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? लिच्छवी के बारे में बताता है, जो कि वैशाली के थे, ठीक है। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्या, मूद्र राक्षस ऑफ विशाखदत्ता, महाभाष्य ऑफ पतंजलि और राज तरंगिनी ऑफ कल्हान प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनपुट्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। बेसिकली जो कल्हान की, ये जो राज तरंगिनी थी कल्हान की, ये 12th सेंचुरी AD कश्मीर की हिस्ट्री बताती है। तो उस समय मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ नाम का एक राजा था, इसके हिसाब से ये जो है मौर्यों का एक्सटेंशन ही था, है ना, तो मौर्यों का ही खानदान का था
राज तरंगिणी के कल्हान के हिसाब से, ठीक है, ललिता दीप मुक्तापीठ याद रखिएगा। लिटरेरी सोर्सेज थ्रो लाइट्स ऑन गुप्ता एम्पायर, तो पहले सबसे पहले आता है पोस्ट गुप्ता है ना, गुप्ता एम्पायर की बात कर रहे हैं, अब तो ये मौर्यन की बात किया है सब, ठीक है, ये मौर्यास की थी, अब जो है लिटरेरी सोर्सेज गुप्ता एम्पायर पे जो लाइट्स डालते हैं, तो सबसे पहले आर्यभट्टिया आती है, किसने लिखी थी, आर्यभट्ट ने, मालविका अग्निमित्रम आती है, कालिदास ने लिखी है, तो ये सारे लोग जो है, कालिदास तो उनकी कोर्ट पोएट ही थे ना गुप्ता के, ठीक है, तो कालिदास की मालविका अग्निमित्रम जो लव स्टोरी है मालविका और अग्निमित्र की, अग्निमित्र कौन था, अग्निमित्र कौन था ये बताइए कमेंट में। बुद्धिस्ट टेक्स ऑफ आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ठीक है, थ्रोज लाइट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर गुप्ताज, ठीक है। फाहेन और ह्यूनसांग की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेड द सोशल एंड रिलीजियस अकाउंट्स ऑफ बिहार ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता टाइम, ये दोनों लोग सबसे पहले फाहेन कब आए थे, फाहेन विजिटेड ड्यूरिंग द रायन ऑफ चंद्रगुप्त टू या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते थे, तो फाहेन इसी के समय आए थे 6th century, 7th century AD में, ठीक है। ह्यूनसांग कब आया था, तो ये हर्षवर्धन के पीरियड में आए थे, ये 4th century AD में आए थे, ठीक है, 4th या 5th में, ठीक है। ह्यूनसांग जो है 7th century में आया था। प्रेजेंटेड द फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ नालंदा महाविहार, तो सबसे पहले नालंदा महाविहार कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में फाहेन ने बात की थी, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और नालंदा महाविहार की जो जानकारी है वो आइस्टिंग भी देते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो ये दोनों लोग देते हैं, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं, एक ताइवेतियन मॉन्ग थे या भिक्षु थे, बौद्धिस्ट भिक्षु ताइवेतियन, इनका नाम था धर्मस्वामी, ये भी बिहार विजिट किए थे 1232 और 34 में, तो इन्होंने मुस्लिमों ने जो डिस्ट्रक्शन किया था नालंदा महाविहार में उसका वर्णन किया है, क्या नाम इनका, धर्मस्वामी। दूसरा है एक जो है पुस्तक है या ग्रंथ कह लीजिए, रामचरित, रामचरित किसने लिखी है, तो इसको संध्याकर नंदी ने लिखा है, संध्याकर नंदी ने, ठीक है, संध्याकर नंदी की रचित ये रामचरित, तो इसमें ये डुअल मीनिंग में बात करती है बेसिकली, एक तो राम के जीवन पे बात करती है, दूसरा रामपाल के जीवन पे बात करती है, रामपाल, रामपाल कौन था, पाल किंग था, ठीक है, बंगाल का, कंपोज्ड आउटसाइड बिहार, ठीक है, तो बिहार में नहीं लिखी गई थी, लेकिन बिहार के ऊपर जो है हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रकाश डालती थी, ठीक है। दिस बुक इज रिटन इन वर्सेज, तो छंदों में लिखी गई है, विच कैरी डबल मीनिंग, वन अप्लीकेबल टू एक्टिविटीज ऑफ रामा ऑफ अयोध्या एंड अदर टू पाला किंग रामपाला, प्राइमरली जो डिस्क्राइब करती है ये द रिवॉल्ट ऑफ कैवरत, कैवरत का रिवॉल्ट अगेंस्ट पाला रूल, पालाओं, पालाओं के खिलाफ कैवरत का रिवॉल्ट का वो डिस्क्रिप्शन देता है और पालाओं के द्वारा क्या मेजर अपनाया गया इसको डील करने के लिए उसके बारे में बताती है। तो ये आज आपका एक इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री थी बिहार की, इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है। कल जो आपकी वीडियो आएगी, कल नहीं परसों, उसमें एक वीडियो में आपकी कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री होगी, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसमें आपके प्रश्न जो भी निहित होंगे, दूसरा जो है मेडिवल होगी, और 3 और 4 नंबर की जो वीडियो होगी उसमें मॉडर्न होगी, 4 वीडियो और आएंगी आपकी बिहार की कंप्लीट हिस्ट्री, 10 नंबर का वो जो है कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।